हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आरपीएससी के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित है, जिसमें एग्ज़ाम डेट जो है वो आप लोगों को पहले बताई गई थी कि 11 से लेकर 21 तक जो है वो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, अक्टूबर माह में। तो यहाँ पर जो है अब आपकी एग्ज़ाम डेट हर सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है और एग्ज़ाम टाइम भी। तो देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो अब कम बचा है, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर है, मैथ है, बायो है, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिक्स, संस्कृत, इंग्लिश, तो देख लीजिए यहाँ पर 11, 12 और 14 तारीख को जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम टाइम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप बी में जीके का जो पेपर है, हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, तो ये 15 और 16 तारीख को डिसाइड किया गया है। वहीं पर ग्रुप सी में जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ड्राइंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, ठीक है, 17, 18, 19 और 20 तारीख को है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो केवल आप अपने सब्जेक्ट का देखें, टाइम देखें, डेट देखें। इसके बाद ग्रुप डी में देखिए, जनरल स्टडीज़ और कोच का फर्स्ट पेपर जो है तो ये 20 को है, और पेपर सेकंड जो है जिसमें 20 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, दोपहर को 2 से लेकर 5 बजे तक। ग्रुप ई में जो पेपर 1 जीके का है, फिजिकल एजुकेशन वालों का, तो ये आपका 21 को होगा, ठीक है। तो दोबारा से जो है वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट का जो है वो आप देख लें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, कौन सी डेट को होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर, इन सभी जिला मुख्यालयों पर जो है आपके विषयवार, दिनांकवार जो है ये आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो आप देख लें, तैयारी में जुट जाएं। 1 मंथ जो है वो आपके पास बाकी है, और यदि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर जाते हैं, लास्ट टाइम में भी जो है रिवीजन जो है उस पर आप फोकस करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो है केवल रिवीजन करनी चाहिए, कुछ भी नया जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।